ब्रिज के नीचे नीचे से निकालने के चक्कर में क्या फंस गया ये तो। तो भाई सुबह के 7:30 बज रहे हैं, द टेम्परेचर अराउंड 10 to 14 डिग्री सेल्सियस। हिमालयन का टेम्परेचर कभी एक्यूरेट नहीं होता है, तो इट्स वेरी 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 कोल्ड नाउ बट स्टिल इट्स शोइंग 14 डिग्रीज। अगर आप ऐसे ऑनलाइन चेक करोगे तो इट इज़ शोइंग 9 डिग्रीज। तो सुबह के 7:30 बज रहे हैं, बहुत ही ठंडा ठंडा मौसम है जनवरी का। आज है 13th and 2024, इस साल का पहला राइड शुरू हो रहा है मेरा हिमालयन 450 के साथ। आज तक जितना भी राइड किया था मैं अपने BS हिमालयन के साथ किया था, लेकिन 2024 का पहला राइड, इस बाइक का पहला राइड, सब कुछ 13th of January को स्टार्ट हो रहा है। मेरा जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो मेरे थंबनेल में या फिर कहीं ना कहीं तो आपको पता चल ही गया होगा, बट फिलहाल उतना दूर तक तो मैं चला नहीं पाऊँगा। मुझे जाना है अयोध्या और उतना दूर तक तो मैं चला नहीं पाऊँगा। यहाँ से लगभग 900 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस है, तो सबसे पहले मैं कोशिश करूँगा जितना मैक्सिमम डिस्टेंस हो सके वो कवर करने का, जैसे नॉर्मली मैं करता हूँ। तो फिलहाल आज का डेस्टिनेशन मैं सेट किया हूँ वाराणसी तक, देखते हैं कितना क्या हो पता है, बिकॉज इट्स ऑलरेडी अ लेट स्टार्ट फॉर मी टुडे। लास्ट टाइम मैं जब वाराणसी गया था तो मैं यहाँ लेफ्ट से जमशेदपुर रांची होके गया था, बरही से निकल गया था, लेकिन आज मैं ये वाला रास्ता से जाऊँगा क्योंकि बार बार सेम रूट से जाऊँगा तो मज़ा नहीं आता है। तो आज मैं ये मिदनापुर वाला ही रोड पकड़ूँगा, सीधा दुर्गापुर नहीं, आसानसोल रानीगंज के पास जाके निकल के फिर वहाँ से हाईवे पकड़ लूँगा। तो भाई नॉर्मल जो डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन वाला ब्लॉग होता है, खड़गपुर टू वाराणसी, वाराणसी टू दिल्ली, ये सारे ब्लॉग थोड़े से बोरिंग हो जाते हैं। तो क्योंकि मैं आज चला रहा हूँ हिमालयन 450 और आज का ये जो जर्नी है वो लगभग 650-700 किलोमीटर का होने वाला है, तो ये 650-700 किलोमीटर में मैं आपको इस बाइक का जो हाईवे एक्सपीरियंस है एज अ ओनर, नॉट एज अ टेस्ट राइड रिव्यूअर, नॉट एज अ बोरोड बाइक रिव्यूअर, नॉट एज अ मीडिया बाइक रिव्यूअर, बट जो एज अ ओनर इस बाइक का क्या परफॉर्मेंस रहता है, कैसा फील आता है इसको चलाने में, क्या क्या चीज़ है इसमें, ये सारी चीज़ बात करूँगा। और क्योंकि एक लंबा राइड भी हो रहा है, ऑफकोर्स बाइक को विदाउट प्रिपरेशन तो मैं राइड पे लेके नहीं जा रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत प्रिपरेशन किया हूँ जितना भी अवेलेबिलिटी था हिमालयन 450 के लिए। तो वो सारा चीज़ आप सबके साथ इस ब्लॉग में थोड़ा थोड़ा करके शेयर करते रहूँगा, तो आपको भी इंटरेस्टिंग लगेगा ये चीज़। के राइड में ना मेरे को अपना राजस्थान राइड याद आ रहा है, उस वक्त भी मतलब ऐसे फरवरी के टाइम पे ठंडा ठंडा मौसम में मैं स्टार्ट किया था अपना जर्नी, और ऐसे ही इसी तरीके से एकदम इस तरीके से लेट लेजी एकदम लतीफ़ बन के स्टार्ट किया था, इसी रास्ते से गया था पूरा स्पीड ब्रेकर, फिर उसके बाद पुलिस नाका चेकिंग यही सब पार करते करते लगभग मतलब अभी 1 hour 15 minutes हो चुका है एंड आई हैव कवर्ड अराउंड 68 किलोमीटर्स टू बी एग्जैक्ट। बहुत ही स्लो चल रहा हूँ मैं, पता नहीं आज कितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर पाऊँगा मैं। नया बाइक, नया लगेज सेटअप ना, पूरा तो दिक्कत होता ही है क्योंकि पुराने वाले में तो कर कर के याद हो गया था कि कहाँ पे कैसा क्या टाइट करना है। तो फोर लेन और सिक्स लेन हाईवे पहुंचने के लिए मेरे को और 50-55 किलोमीटर चलाना पड़ेगा। अभी तक मैं चला चुका हूँ 114 किलोमीटर खड़गपुर से निकल के, एंड आई वाज राइडिंग समवेयर अराउंड 6th gear 80-90, कहीं पे भी 100 के ऊपर लेके नहीं गया था, बस एक दो जगह पे कहीं पे किया सेल्टॉस आके मेरे साथ रेसिंग कर रहा था, तो मज़ा ले रहा था, ऐसे नींद आ रहा था, नींद भगा रहा था। तो मस्त है रोड अभी तक तो, मतलब अच्छा ही रहा, बट बहुत स्पीड ब्रेक कर दिया जिसकी वजह से मेरा जर्नी स्लो होता जा रहा है, एंड इट्स ऑलरेडी 9:30 नाउ, सो 2 hours ऑन द सैडल। अभी कहीं पर तो थोड़ा रुकना पड़ेगा, थोड़ा चाय वाय पीना पड़ेगा, लेट्स सी इफ आई कैन फाइंड सम गुड प्लेस, मतलब ऐसी छाँव वाले जगह जहाँ पे चाय लेने के बाद थोड़ा धूप में बैठता हूँ। मैं तो बात करते करते यही बोलना भूल गया कि कौन सी जगह पे हूँ। तो बेसिकली मैं अभी हूँ बांकुड़ा में, ये बांकुड़ा का रिवर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत बार क्रॉस किया हूँ लेकिन रिवर का नाम नहीं याद आ रहा। बांकुड़ा टाउन लेफ्ट में, आई विल बी कंटिन्यूइंग स्ट्रेट टूवर्ड्स रानीगंज, दुर्गापुर भी जा सकते हैं, फिर दुर्गापुर से हाईवे वही सेम ही है, मतलब रानीगंज 56 दुर्गापुर 50 किलोमीटर। तो भाई लगभग 3.5 घंटा बाइक चलाने के बाद और ऑलमोस्ट 170 किलोमीटर कवर करने के बाद पहुंच चुके हैं नेशनल हाईवे 2। अब यहां से मैं ले लूँगा लेफ्ट जो कि मुझे सीधा वाराणसी
की तरफ लेके जाएगा। वाराणसी जाऊंगा या फिर मैं सासाराम के बाद दूसरा आजमगढ़ वाला रास्ता पकड़ूंगा वो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अयोध्या का दोनों रास्ता दिखा रहा है। अब जिससे भी मेरे को ईजियर पड़ेगा वही मैं करूँगा, मैप देख लूँगा एक बार, जो शॉर्टेस्ट दिखाएगा उसी जाऊँगा। मोस्ट प्रोबेबली आई गेस वाराणसी वाला लेना ही बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें हाईवे वाला रोड मिलेगा और यहाँ पे थोड़ा मतलब फिर से ऐसे दो लेन वाला रास्ता कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा, फिर उसके बाद जाकर फिर वो एक्सप्रेस वे पकड़ाएगा लखनऊ वाला। किलोमीटर विदाउट एनी स्टॉप और ये आज के दिन का पहला टोल प्लाजा, मतलब प्रॉपर हाईवे वाला टोल प्लाजा। इसके पहले भी जितना आया तो वो स्ट्रीट हाईवे वाला टोल प्लाजा था, अभी तक नहीं रुका हूँ। रुकूंगा करते करते मन ही नहीं कर रहा है, गाड़ी इतना बढ़िया है चलाने की, इतना मज़ा आ रहा है तो कहीं रुकने का मन कैसे करेगा। हाँ अब भूख लगी है, अब रुकना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। अब चलाते चलाते ये वाला मिरर दो तीन बार लूज़ हो चुका था, मैं ऐसे पकड़ पकड़ के टाइट किया, लेकिन अब ये पूरा लूज़ हो चुका, मतलब दोनों साइड वाला लूज़ हो गया। तो इसको कहीं मैकेनिक के पास रुक के थोड़ा टाइट कराना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना मिरर के हाईवे पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। राइट वाला देख के चला रहा हूँ और लेफ्ट लेन पे चिपका हुआ हूँ मैं, मतलब अंदर के लेन से जाकर ओवरटेक कर ही नहीं पा रहा हूँ, पीछे से कोई आया नहीं है, पता नहीं चल रहा है। यहाँ रॉयल होटल में रुका था मैं खाना खाने के लिए, मस्त गर्मा गर्म तंदूर रोटी सामान सब ले लिया ना। धनबाद मैं पार कर चुका हूँ, धनबाद से आगे आ चुका हूँ, लगभग 240 किलोमीटर चला चुका हूँ। और ये मेरा हिमालयन का एक बार सेटअप दिखा दूँ क्या क्या किया हूँ मैं राइड पे निकलने के पहले। तो ये राइनोस का स्टॉम्पफूफ वाला बैग जो है ये नया लिया हूँ, वी अटायर वाला तो बैग बहुत पुराना है, उस पर बंजी भी लगा के नॉर्मली बहुत ईजी है इसको लगाना और खोलना ही बहुत ईजी है। एक गार्डियन गियर्स का टैंक बैग लिया, उसको टावल डाल के लगाऊँ कि नया टैंक है, स्क्रैच पेस ना लग जाए। और यहाँ पे ये मोटो टॉक का मास्टर सिलेंडर गार्ड, रियर ब्रेक ऑयल चैम्बर का गार्ड, HJC या फिर कुछ HJG करके कुछ तो कंपनी, उसका लाइट लगा हूँ ताकि रात को कभी दिक्कत ना आए। हेड लाइट इसका अच्छा नहीं है, जो पुराना जो हिमालयन है उसका हैंड गार्ड लगा लूँ, हाथ में ठंडा नहीं लगेगा। इसका कंपेटेबल हैंड गार्ड मिल नहीं रहा था, जैसे तैसे तो जुगाड़ करके इसको लगाया हूँ। और यहाँ पे एक मस्त ये वाला लेज़र कटिंग किया हुआ हिमालयन एक फ्रंट ब्रेक ऑयल चैम्बर का। तो यही एक बेसिक सेटअप बना के निकला हूँ, बाद में जब पैनियर्स वगैरह लगाने का सब आ जाएगा सामान, फिर धीरे धीरे लगाऊंगा अभी। और इसको मैं तब से मैं इको ABS ऑन मोड पे ही चला रहा हूँ, परफॉर्मेंस मोड पे नहीं चला रहा हूँ। तो यहाँ पे जो एवरेज माइलेज दिखा रहा है 31.6, बट वो एक्चुअली 27-28 के आसपास है, तो 3-4 किलोमीटर का एरर है इसका माइलेज कैलकुलेशन में। कहीं पर रुकते हैं ना तो फिर एक बार सारा सामान चेक कर लेना चाहिए ठीक ठाक से लिए कि नहीं, क्योंकि मोबाइल मेरे यहाँ पे रखा हुआ था, फिर मोबाइल को पॉकेट में डाल दिया, फिर कहीं रुक के मोबाइल को बैग में करूँगा। फोन में वाइब्रेट होता है फ़ोन, तो बहुत इरिटेटिंग लगता है राइड के वक्त में, मैं कोई कॉल वॉल उठाता नहीं हूँ। वैसे हेलमेट में मेरा ब्लूटूथ इंटरकॉम है लेकिन मेरे को वो कॉल रिसीव कैसे करते वो नहीं पता, तो बार बार जब दबा रहा हो तो कॉल डिस्कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, गाड़ी चलाते हुए ऐसे भी बात नहीं करना चाहिए फ़ोन पर। एक बाइक मैकेनिक का दुकान मिला है, तो यहीं पे जाकर थोड़ा सा मिरर को टाइट करवाता हूँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है इसके चलते। भैया सुनिए ना, ये मिरर को थोड़ा ऐसे एडजस्ट कर दीजिए ना, यहाँ पे इसको खोल लीजिए पहले, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिए, पूरा बार बार ढीला हो जा रहा है यहाँ से। ये वाला नट को पहले इसमें पूरा टाइट कीजिए, फिर उसके बाद एडजस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो हो नहीं रहा है, ज़्यादा कर रहे तो वहाँ से खुल जा रहा है। और नीचे एक पाना पकड़ के शायद ऊपर से कुछ करना पड़ेगा। कर दिया वो मैकेनिक, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया हूँ। बिना मिरर के चलाना पता है कैसे, वो एक आँख में पट्टी बांध के चलनी जैसा, एकदम अंधा फीलिंग होता खुद को, अंधा अंधा। कांप क्यों रही हो? बगोदर 32, हजारीबाग 84, बरही 83, टोटल चला है 360 किलोमीटर। ये मैं कैलकुलेटर खोलते हैं एक बार, 360 और पेट्रोल डाला है 12.25 liters, 29.38, एकदम परफेक्ट माइलेज दे रहा है, ऐसा ही एक्सपेक्टेड था हाईवे पे इसको, एकदम इकोनॉमी मोड पे चला के आराम से 80 नंबर पे। राइट वाला मिरर तो ओके है, बस लेफ्ट वाले में दिक्कत आ रहा था, तो लेफ्ट वाला अभी तक ओके है भाई। शेर घाटी
यहाँ डेयरी के पहले मतलब इतना भयानक ट्रैफिक जाम लगा हुआ ना, पूरा 6-7 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम है। ऐसे फिल्टर करते करते आगे बढ़ रहे हैं, पता नहीं कब तक मिलेगा ऐसे ट्रैफिक जाम। थोड़ा देर बाद सनसेट हो जाएगा और भयानक ठंडा लगने लगेगा। वाराणसी पता नहीं पहुँच पाऊंगा कि नहीं, 170 किलोमीटर के आसपास बाकी होगा। और ऐसे ट्रैफिक में पूरा गर्मी भी होने लगा, चला रहे तो ठंडा है, ट्रैफिक में गर्मी। मेन ब्रिज छोड़ के नदी पे उतर गए, पता नहीं कहाँ तक कैसे जा सकते हैं। अब कोई जा रहा है उसी के पीछे पीछे लगा दी गाड़ी, रिवर बेड से चला रहा हूँ मैं। अलग ही एडवेंचर हो जाता है ये वाराणसी वाले रोड पे, कुछ ना कुछ एक नया एडवेंचर रहता ही है मेरा। ये नया वाला ब्रिज कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे, और ये रिवर बेड सूखा था, नाक खुजा रहा है, हेलमेट का वाइजर भी नहीं खोल सकता हूँ मैं। भाई जैसे तैसे तो उठा लिए, लेकिन जाम अभी तक भयानक लगा हुआ है। ये 10वां किलोमीटर आ गया हूँ, 10वां। पीछे से जो जाम लगा वो अभी तक कंटिन्यू हो रहा है, नीचे नीचे से जहाँ से भी रास्ता मिल रहा हूँ वहीं से निकाल के लेके जा रहा हूँ। ये भाई एक और ब्रिज नदी के बेड से चला के पार कर रहा हूँ मैं, दूसरा ब्रिज भाई। अरे चढ़ाओ, सब एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के रख दिए, जिसको जहाँ से रास्ता मिल रहा है वहीं से आ जा रहे। इंसानी जुगाड़ निकाल लेता है कहीं ना कहीं से। शेरघाटी पार हो गया फाइनली, शांति भाई शांति। हाईवे दिखी है अभी, चढ़ाना है ऊपर, कहाँ से तो चढ़ाऊँगा वो समझ में नहीं आ रहा, आगे से कट मिल जाएगा कहीं ना कहीं से। तो बाबरे धन्यवाद शेरघाटी भाई, हमेशा ऐसा ही मिला जब भी आया हूँ। ब्रिज के नीचे नीचे से निकालने के चक्कर में क्या फंस गया ये तो। ब्रिज के नीचे नीचे से निकालने के चक्कर में ये लपेट गया था। अच्छा वो पूरा मतलब मेल्ट वेल्ट होके पूरा एकदम कांड नहीं हुआ इससे भाई। भाई 450 किलोमीटर चला चुका हूँ टोटल, 450। जब तक रोशनी है तब तक चलाऊंगा, बहुत ज़्यादा टायर्ड लग रहा है। कल रात को जब मैं पैकिंग कर रहा था तो उसमें भी बहुत ज़्यादा लेट कर दिया था मैं। ये रोड के ऊपर नीचे करने के चक्कर में ना मतलब मेरा चेन से आवाज़ निकल गया पूरा ड्राई होकर, और मैं भी बुद्धू चेन लूप कैरी नहीं किया। नया नया बाइक है उसमें कोई मोबिल वोबिल डालने का मन नहीं है, लेकिन 90 ग्रेड का अगर क्या बोलते हैं वो गियर ऑयल मिलेगा तो वो थोड़ा सा डाल दूंगा छोटा बोतल लेके किसी के राज दुकान में। और अभी जैसे जैसे शाम होगा ना ये बालू वाला ट्रैक्टर चलना चालू हो जाएगा। गर्मी के टाइम पे जब कोई लद्दाख वदाख का राइड होता है इस साइड से, उस वक्त तो रात को चला लूँ, क्योंकि रात को पूरा मतलब सूरज का प्रकोप रहता नहीं है, और रात को मतलब वैसे लू लू में चला के निकल जाते हैं जैसे तैसे। तो ठंड के मौसम में वो भी नहीं कर सकते, इतना रात जाएगा और ठंडा होता रहेगा और वाइजर में ओस जमते रहेगा, वाइजर खोल के चलाना पड़ेगा स्पेशली ऐसे ट्रैफिक कंडीशन में। जितना रात हो रहा ना उतना ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ रहा है, 6 बज चुका है और मतलब अंधेरा भी भयानक हो रहा है। अभी तक मैं डेहरी नहीं पार किया हूँ, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है। बस डिसीजन गलत कर दिया, औरंगाबाद में ही रुक जाना चाहिए था। अब डेहरी के बाद तो फिर वही मोहनिया कुदरा सासाराम, पता नहीं कितना दूर है यहाँ से मेरे को मतलब थोड़ा, क्योंकि सासाराम हमेशा पार करके चला गया ना, कभी ऐसे एज अ वे पॉइंट देखा नहीं हूँ सासाराम को। डेहरी के पहले ही कुछ मिल गया तो वहीं पर रुक जाऊँगा। बट प्रॉब्लम यह है कि सारे होटल्स में ना शादी और बैंक्वेट का बुकिंग चल रहा, तो पूरा ऐसे बारात वारात का बहुत ज़्यादा भीड़ है वहाँ पे। आज के दिन भर का राइड मैं समाप्त करने का सोचा सासाराम में, तो सासाराम में हाईवे के साइड पे एक माउंटेन व्यू करके कुछ तो था, ये सब शादी वाला सब होटल है। बस रूम मिल गया मेरे को 1500 रुपये में, अच्छा खासा बड़ा सा रूम है ये देखो, ये बेड वहाँ पे, वॉशरूम है, बरामदा भी है, लेकिन ठंड इतना ज़्यादा है कि भाई बाहर निकलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। मैं अभी अभी बैठा हूँ, बैठ के पहले फर्स्ट खाना खा रहा हूँ। 220 रुपये का थाली मंगाया, इतना कुछ है, मिक्स वेज, पापड़, दाल, पनीर, सलाद, जीरा राइस, इसमें नान और रोटी दोनों है। फिर चेंज करो, सीधा घुस जाओ बिस्तर में। तो यही था अच्छा मेरा जर्नी खड़गपुर से लेकर सासाराम तक का, और हिमालयन चला रही जो मज़ा आया मेरे को सही में, यार हाईवे के लिए एकदम परफेक्ट बाइक है। जहाँ पे पावर मांग रहा हूँ वहाँ पे बात पता चल रहा है, तो मैं भी जब कहीं ऑफ रोड वगैरह पे जाऊँगा तो वहाँ पे और ज़्यादा इस बाइक का जो प्रैक्टिकल यूसेज है वो पता चलेगा। तो हाईवे पे लिए तो बाइक बहुत परफेक्ट है। बस एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एडवेंचर हो गया ब्रिज के नीचे नीचे से, मैं डर लग रहा था कि मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, कीला वीला लग के पंक्चर ना हो, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, सेफली मैं पहुँच गया सासाराम। थैंक यू फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ द गेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग नीचे मोटो।